गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। क्लास ट्वेल्थ में बायो मॉलिक्यूल्स नाम से एक टॉपिक है और उसके अंतर्गत जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्हें हम नेचुरल पॉलीमर कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, न्यूक्लिक एसिड है, विटामिन्स की स्टडी है और उसी से रिलेटेड एक प्रोटीन के बारे में जो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड होते हैं जिनसे मिलकर प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो मोनोमर यूनिट होता है, जो बार बार रिपीटिंग यूनिट है अमीनो एसिड, उसके बारे में आज वीडियो में मैं कुछ आपको ट्रिक सिखाऊंगा कि डिफरेंट टाइप के जो अमीनो एसिड होते हैं उनको आप कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो जो अमीनो एसिड होते हैं बेसिकली उनकी दो कैटेगरी है, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल अमीनो एसिड वो एसिड होते हैं, जो हम बाहर से डाइट के थ्रू लेते हैं, जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होती है। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, उन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो सबसे पहले तो हम अमीनो एसिड जो कि रिपीटिंग यूनिट है, मोनोमर यूनिट है प्रोटीन का, उसको देखते हैं उसकी स्ट्रक्चर वास्तव में कैसी होती है। एक सेंट्रल पोजिशन पे कार्बन होता है, इसके एक तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, दूसरी तरफ NH2 ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक R ग्रुप एल्किल ग्रुप है। ये R ग्रुप प्रत्येक एमिनो एसिड में चेंज होता जाता है और जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे नया एमिनो एसिड बनता जाएगा। जो सबसे सिंपलेस्ट एमिनो एसिड होता है वो होता है ग्लाइसिन, जहां पे R बराबर H होता है। ठीक है, अब ये एमिनो एसिड है, दूसरे एमिनो एसिड के साथ जब ये बॉन्डिंग करता है तो पेप्टाइड बॉन्ड इसमें बनते हैं। सपोज करिए इसके बगल में यहां पर NH2C, यहां पर कोई R ग्रुप है, इधर HCOOH। तो देखिए होता क्या है कि इसका H और ये, इसका OH और इसका AH बाहर चला जाता है। ठीक है, इसी प्रकार यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका भी किसी के साथ बाहर चला जाएगा। तो जब ये बॉन्डिंग होती है तो यहां पे हो जाता है NH, यहां से बॉन्ड ओपन, C जो भी होगा, HR कुछ भी लिख सकते हो आप, अभी यहां पे फिलहाल HH है, C डबल बॉन्ड O, यहां पे NH, फिर NH के बाद C के ऊपर R, इधर H और C डबल बॉन्ड O और इधर से OH किसी के साथ चला जाएगा, तो जो यहां पे N हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो ये वाला बॉन्ड है CONH, एक एमिनो एसिड का CO दूसरे का NH, इसको बोलते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो इस प्रकार से बार बार रिपीटिंग यूनिट जुड़ते चले जाते हैं और एमिनो एसिड से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एमिनो एसिड जो 20 डिफरेंट टाइप्स के हैं उनको आप लर्न कैसे करेंगे, उससे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एमिनो एसिड की दो कैटेगरी है, इसेंशियल एमिनो एसिड और दूसरा है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, अब कुछ नाम मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप देखिए, ये 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड मैंने यहां पे ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। ये ऊपर वाले जो हैं ये हैं इसेंशियल एमिनो एसिड, इनमें से दो जो ये हैं कहीं कहीं पर सेमी इसेंशियल अगर पूछा जाता है तो आप सेमी इसेंशियल में इनका नाम ले सकते हैं, आर्जिनिन हिस्टिडीन। नाम देखिए, आर्जिनिन हिस्टिडीन, आई से आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन, आइसोल्यूसिन ल्यूसिन लाइसिन। ठीक है, पी से फेनिल एलानिन मेथियोनिन थ्रियोनिन, फेनिल एलानिन मेथियोनिन थ्रियोनिन ट्रिप्टोफान वेलाइन, ये इनके नाम हो गए, आप यहां पे लिख सकते हैं आर्जिनिन हिस्टिडीन आइसो ल्यूसिन ल्यूसिन और लाइसिन, फेनिल एलानिन मेथियोनिन और ये है ट्रिप्टोफान, ट्रिप्टोफान, ये दूसरा वाला टी जो है थ्रियोनिन और लास्ट में है वेलाइन। अब नीचे देखिए AAGGGCFPST और सी ऐसे लिखा हुआ है, ए से है एलानिन,
दूसरा से है एस्पार्टिक एसिड और ये है एस्पार जी। अब ये जी से देखिए ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट वाला ग्लूटामिक एसिड और इसके बाद है ग्लूटामाइन। अब एक पी यहां आ गया तो दूसरा पी यहां पे है प्रोलाइन, ये है सेरीन, ये है टायरोसिन और ये है सी वाई सिस्टाइन। ठीक है, ऊपर वाले इसेंशियल एमिनो एसिड, ये नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। नाम कैसे है देखो, आर्जिनिन, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलएलानिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वैलाइन। यहां पर देखिए नॉन इसेंशियल में एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन, तीन ए हैं, एलानिन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जिन। यहां पे ग्लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, पी से प्रोलाइन, एस से सीरीन, ट्री से ट्रिप्टोफैन और सी से सिस्टाइन। अब इनमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि विच आर द फॉलोइंग एमिनो एसिड कंटेनिंग सल्फर। तो सल्फर कंटेनिंग में दो एमिनो एसिड है, एक तो एम है यहां पे इसेंशियल में मेथियोनिन और एक यहां पे है सिस्टाइन। एक चीज और याद रखेंगे, इसका नाम सेरीन है, इसका नाम सिस्टाइन, सिस्टीन या सिस्टाइन जैसे। तो जहां पे एस होगा उसमें एस सल्फर नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो जो ये आपका ग्रुप होता है सी डबल एच एन एच टू, यहां पे एच और ये आर ग्रुप, अगर यहां पे मैंने कहा एच हो जाएगा तो सबसे सिंपल ग्लाइसिन हो जाएगा, यहीं पे सी एच थ्री हो जाएगा, एलानिन हो जाएगा। अब देखो एक एच हटा के यहां ओएच लगा देंगे तो ये आपका ये सेरीन हो जाएगा और ओएच के स्थान पे अगर यहां पे एसएच लगा देंगे सिस्टाइन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये ग्रुप चेंज होता जाएगा और नया नया एमिनो एसिड बनता जाएगा। अच्छा, अगर यहां पर CONH2 ऐसे ग्रुप आ जाए, एमाइड ग्रुप, ठीक है, तो इसमें एक तो एस्पार्जिन है, एस्पार्जिन और एक दो जिसमें CONH2 होगा, तो जब बेसिक वाला पूछे तो जिसमें NH2 ग्रुप आ जाएगा वो बेसिक वाला बना जाएगा। अब यहां पर देखें एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ये कैसे हैं एस्पार्टिक एसिड ग्लूटामिक एसिड, ये वो है जिनमें की सी डबल एच, यहाँ पे एक सी डबल, एक तो सी डबल एच यहाँ पे था ही, एक सी डबल एच यहाँ पे और आ जाएगा, तो जब एक सी डबल एच और आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एसिडिक वाला हो जाएगा। तो दो एसिडिक एमिनो एसिड है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, ऐसे ही एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन। ठीक है, तो इनमें क्या है एमाइड ग्रुप है, एनएच टू ग्रुप है, तो ये बेसिक वाले होंगे। और जिसमें ओएच होगा जैसे सीरीन वो क्या होगा न्यूट्रल होगा। अब जिसमें एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है तो ये कैसे हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें इसका एक एच यहाँ पे रहता है NH3 प्लस हो जाता है, स्पीशीज माइनस हो जाती है यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो उसको कहते हैं ज्यूटर आयन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 20 डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड को आप इस तरह से लर्न करेंगे। और ये जो एमिनो एसिड होते हैं इसमें देखिए आप सी डबल बॉन्ड को इधर आप OH कर दीजिए, इधर R कर दीजिए, H कर दीजिए, NH और AH। अब इसके बीच में देखिए दूसरा वाला जब एमिनो एसिड होता है R कर दीजिए, चाहे R को आप नीचे दिखा दीजिए, H दिखा दीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा NH और AH और C डबल बॉन्ड O OH। आप देखिए इस वाले एमिनो एसिड का OH और इसका H माइनस H2O बाहर हो जाएगा तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग आएगी CONH की जो रिजल्ट है, तो जो वो CONH वाला होगा उसी को पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज बार बार बनेंगे दो एमिनो एसिड के बीच में, एक ही पेप्टाइड होता है लेकिन दो एमिनो एसिड होता है, डाई पेप्टाइड कहेंगे, ट्राई पेप्टाइड, तीन एमिनो एसिड ट्राई पेप्टाइड, चार होंगे तो टेट्रा, इस तरह से पेप्टाइड बार बनेंगे। तो आप देखेंगे कि जो एमिनो एसिड का फार्मूला होगा, देखिए यहाँ पे सी रहेगा, इधर आप आर एच सी डबल बॉन्ड ओ एन एच और फिर सी, इधर इधर आर और ये C डबल बॉन्ड O और यहां से बॉन्ड ओपन है। इस तरह से यहां पर ये वाला जो बॉन्ड होगा CONH, अब यहां पे CO है किसी दूसरे के NH के साथ जुड़ेगा, यहां NH है किसी दूसरे के CO के साथ जुड़ेगा, इस तरह से ये CONH CONH पेप्टाइड बॉन्ड बनता चला जाएगा और हजारों की संख्या में एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो जो आपका पॉलीमर बनेगा वो प्रोटीन होगा। ठीक है।